अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीओ स्टूडेंट सेल। असाइनमेंट का और क्विज़ेस का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अभी कुछ इंट्रोडक्टरी जो है ना, मतलब के प्रैक्टिस पर्पस के लिए कुछ असाइनमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं कि स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट करके देखें कि कैसे LMS को यूज़ करना है, असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाने के लिए असाइनमेंट्स जो है अपलोड हो रही हैं। थोड़े ही दिन में क्विज़ेस और असाइनमेंट जो ग्रेडेड हैं, जिसके मार्क्स होंगे वो सारी की सारी वो भी शुरू हो जाएंगी। अभी एक असाइनमेंट BT301 की आ गई है, जो कि फर्स्ट असाइनमेंट है। असाइनमेंट चेक करने का सबसे जो तरीकाकार होता है वो मैं साथ साथ समझाता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो है वो न्यू है, फिर उसके फौरी बाद इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो आपने अपना LMS ऑन करके तो ये नोट करते रहना है कि यहाँ पे न्यू असाइनमेंट के सामने कोई असाइनमेंट आई है, यहाँ पे एक नहीं आई। क्विज़ेस, अनाउंसमेंट, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, यहाँ पे जो भी असाइनमेंट आएगी उसका साथ यहाँ पे नंबर जो है इंक्रीज हो जाएगा। एक तरीका करिए है। दूसरा यह है कि माई टू डूज में जाना आपने, यहाँ पे असाइन जो भी चीज होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। मसलन ग्रेडेड एक्टिविटीज में क्या है, एक असाइनमेंट आई हुई है BT301 की। असाइनमेंट फाइल यहां से आप सबमिट करते हैं, ठीक है। यहां से जस्ट आपने अनाउंसमेंट जो है ना वो करनी है सबमिट, वो वहां से भी हो जाती है। अभी हम उसको डाउनलोड करते हैं। यहां से जस्ट आपने देखना है कि ये समझे कि एक नोटिफिकेशन है, यहां से आपने देखना है। इसकी लास्ट डेट है 20 मई। तो चलें BT301 की असाइनमेंट में जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट का ये BT इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। असाइनमेंट टैब पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये असाइनमेंट फाइल है। तो असाइनमेंट फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारी असाइनमेंट फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये डाउनलोड होगी, वर्ड फाइल में ये डाउनलोड होती है या PDF में, तो इसको आपने ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, अगर वर्ड फॉर्मेट है। अगर PDF है तो अडोब एक्रोबेट या अडोब रीडर, जो भी आपने जो PDF रीडर है वो आपने उसमें ओपन कर लेनी है फाइल। तो ये हमारे पास फाइल ओपन होगी। चलें इसका फौरी तौर पे गो थ्रू करते हैं कि इसमें करना क्या है, इस असाइनमेंट में, फिर इसको बनाते हैं। ऑडियो इंस्ट्रक्शंस, प्लीज प्रिपेयर एन ऑडियो इंस्ट्रक्शन फाइल थ्रू एनी अवेलेबल डिवाइस, प्रेफरेबली साउंड रिकॉर्डर ऑफ द विंडोज, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ये हैं। टोटल टाइम ऑफ ऑडियो इंस्ट्रक्शन विल बी 5 मिनट, ठीक है। कोर्स नेम एंड कोड 30 सेकेंड, ठीक है। आपने करना क्या है कि इसको आपकी एक ने एक आपने एक फाइल जो है वो रिकॉर्ड करनी है ऑडियो में। वो कैसे करनी है वो मैं करके अभी दिखाता हूं, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। योर इंट्रोडक्शन, पहले तो आपने कोर्स नेम बताना है और कोड बताना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी BT301, ठीक है। योर इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे। योर एकेडमिक बैकग्राउंड, तो हम अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बनाए बताएंगे, उसका 1 मिनट होगा। 1 मिनट जो है उसमें कोर्स का ओवरव्यू बताएंगे, और एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी इस कोर्स से रिलेटेड वो 30 मिनट में बताएंगे। ये हमने एक्चुअली एक फाइल जो है वो रिकॉर्ड करके तो वो इंस्ट्रक्टर को सेंड करनी है, जो इस सब्जेक्ट का जो है हमारा इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो चलें इसका तरीका कार क्या है, उसने खुद भी इंस्ट्रक्टर ने बताया हुआ है कि ओपन विंडो सर्च, राइट साउंड रिकॉर्डर सर्च। चलें इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं साउंड रिकॉर्डर, तो ये देखें टॉप पे आ गया साउंड रिकॉर्डर। तो साउंड रिकॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये हमारी साउंड जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये देखें ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो माइक है वो वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब हम साउंड जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चले आए, स्टार्ट करते हैं। हम जो है ना अपना सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूंगा, आप लोगों ने मेरे वाला सोल्यूशन नहीं अपलोड करना, बल्कि आप लोगों ने खुद से अपना सोल्यूशन जो है वो रिकॉर्ड करके वो सेंड करना है। तरीका कार में अब जो जैसे जैसे मैं बोलूंगा या जैसे जैसे मैं करूंगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग इंग्लिश में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लोग उर्दू में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि एज सच यहां पे कोई इंस्ट्रक्शंस तो हमें नहीं मिली कि जिसमें लिखा हो कि आप लोग जो है ना इसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करें, ठीक है। ये लास्ट तक कोई भी जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आपने इसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करना है। तो दैट्स मीन कि हम इसको उर्दू में भी इंस्टॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलें हम टाइम को मलहूजे खातर रखते हुए, जेन में रखते हुए, टाइमलाइन को फॉलो करते हुए इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं।
Bismillahirrahmanirrahim. My name is Azhar Sagar. My study program is BS. अब मुझे भूल गया कि कौन सा बी एस है, बी एस जालोजी कह देता हूँ या एम एस सी जालोजी, जो जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम है वो बताएंगे. माई स्टडी प्रोग्राम इज बी एस जालोजी एंड मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं जो है ना वो चला गया हूँ माजरत के साथ. तो चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं, इसको जो है ना कैंसिल कर देते हैं. ये ऐसा मसले मसाइल तो आएंगे, जाहिर है जब फर्स्ट टाइम बंदा जो है ना वो करता है, इसको रिकॉर्ड करता है, तो जो है ना वो फिर मसले मसाइल तो आते हैं. तो चले हैं दोबारा से हम साउंड रिकॉर्डर ओपन करते हैं और इस दफा हम उर्दू में करेंगे. मेरे जहन से स्किप हो गया था. चलें दूसरी एक और चीज भी है कि आप इसको पहले उर्दू में नोट डाउन कर लें कि फिर बाद में रिकॉर्डर ऑन करके तो उसको ऊंचा लाउडली जो है ना पढ़ें. फॉर एग्जाम्पल यहां पे आए नोटपैड में, नोटपैड में यहां पे आके आप लिख लें कि फॉर एग्जाम्पल अस्सलामु अलैकुम सर, माई नेम इज एम अजहर सागर, आई एम स्टूडेंट ऑफ एम एस सी जोलॉजी फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, जोन सा आपका अपना है. तो उसके बाद सर ने पूछा हुआ है आपसे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है. पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, फिर उसके बाद अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है. तो सबसे पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उसके बाद आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है. आई हैव कंप्लीटेड BSc Zoology from Punjab University excuse me with 450 marks out of 800. ठीक है, ये एक मुख्तसर जैसा जो है ना इसमें एकेडमिक प्रोग्राम जो है ना बता दिया बी एस जालोजी के बारे में. आप इसमें मजीद जो है ना 2 मिनट है आपके पास, इसमें आप अपने जो इंटर है उसके बारे में भी बताएं, इंटर के प्रोग्राम के बारे में बताएं, उसके अलावा जो है ना उसके बारे में बताएं, मैट्रिक से शुरू करें, इंटर का बताएं और जो है ना जो आपकी लास्ट डिग्री है वहां तक बता के तो आप अपने न्यू एडमिशन के बारे में बताएं. नाउ आई हैव उर्दू में लिख लें, अब मैंने जो है ना अब मैंने उर्दू में लिख लें, अब मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में MSc जूलॉजी में एडमिशन ले लिया है इंशाल्लाह रहमान. उसके बाद आपने बताना है व्यू अबाउट कोर्स, तो कोर्स के बारे में, ये जो कोर्स है ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी कौन सा ये बायोटेक्नोलॉजी है. तो बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा आप उसको ओवरव्यू में आपको बताता हूँ कि कैसे लेते हैं. इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो जाएगा. तो आप यहाँ पे जाएं अपने कोर्स वेबसाइट में, यहाँ पे आके ओवरव्यू में आए. तो ये कोर्स जो है ना ये है, दिस कोर्स डेवलप टू इनेबल स्टूडेंट्स विद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं जो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स की फंडामेंटल्स है उनको सीखने के लिए जो है ना ये प्रोग्राम मैंने जो है ना लिया है. इंशाल्लाह रहमान मैं इससे मैं पूरा उम्मीद हूं कि आपकी जेरे निगरानी मैं इसको कंप्लीट करूंगी या करूंगा. और एक्सक्यूज मी, इस तरह की जो वर्डिंग बना के जो है ना लिख दें. दूसरा उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस थी वो भी देख लेते हैं. और आपने बताना है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है. ठीक है, ओवरव्यू आपने वही दे दें, व्यू अबाउट कोर्स और ओवर एक्सपेक्टेशंस कि हम इससे सीख के जो है ना इंशाल्लाह रहमान अच्छा सीखेंगे और मुल्क कौम की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह रहमान आगे बढ़ेंगे. और इस तरह जो है ना थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज कर दें या जिस तरह से आप जो है ना मुनासिब समझें. ठीक है सर, अल्लाह हाफिज. तो ऐसे उर्दू में या इंग्लिश में जिस तरह भी आप चाहें रिकॉर्ड कर सकते हैं. 2-3 दफा रिकॉर्ड कर लें कोई बात नहीं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा. लेकिन इसको जेन में रखें, अब जो है ना वीयू जो है अपना
प्लेटफॉर्म इसी चीज पे चेंज करता जा रहा है ताकि ओवरकम कर सके, स्टूडेंट चीटिंग ना कर सके। इसलिए आप लोगों ने सारे के सारे काम खुद करने हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह रहमान हमारी टीम बायो साइंसेस की, कंप्यूटर साइंस की और मैथ की और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो बीएड के स्टूडेंट हैं सबको इंशाल्लाह रहमान हमारी पूरी टीम है वो आप लोगों को सपोर्ट करेगी हर असाइनमेंट में। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक अस बटन जरूर प्रेस करें। कोई आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और कोई न्यू असाइनमेंट जिसका सलूशन अभी तक हमारे चैनल पे अपलोड नहीं हुआ आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर इसका सलूशन नहीं हुआ। 0334-7954-038 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर हमारा सलूशन अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो आप लोग काइंडली अपनी जैसे असाइनमेंट आए आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट फाइल वर्ड फाइल में ये जो मैंने ओपन की हुई है वो मुझे सेंड करें। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह रहमान आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट सबमिट करने का जो तरीका था वो मैं बताना आप लोगों का भूल गया था कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो चले आए क्विकली जो है ना इसको हम वो कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं थोड़े टाइम में रिकॉर्ड करूंगा सिर्फ सिखाने के लिए, तो रिकॉर्ड करते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद अज़हर सागर। आई हैव कंप्लीटेड बीएस जूलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी विद 450 मार्क्स आउट ऑफ 18। आई हैव कंप्लीटेड इंटर फ्राम बाईस गुजरांवाला, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला, एंड आई गॉट 745 मार्क्स आउट ऑफ 1100। After that, now I have take admission in Virtual University of Pakistan in MSc Zoology. Inshallah Rahman, in this program, I will improve and I will learn techniques of biotechnology, blah 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 blah. जो भी आप जो है ना वो लिख लेते हैं, आप उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख के तो आप जो है ना इसको रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद इसको स्टॉप रिकॉर्ड करें। स्टॉप रिकॉर्ड करने के बाद डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर लें आप, इसका नाम आप रख दें असाइनमेंट 1, और इसको यहाँ से सेव पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे आप सेव कर देंगे तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं हम, डेस्कटॉप, हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। डेस्कटॉप पे जाके तो उसको हम कर लेते हैं, इसको हमने सबमिट करना है। तो उसका तरीका कार यह है कि हम VULMS में दोबारा से जाएंगे, तो LMS में जाके तो वहां पे हम अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने का तरीका कार यह है कि यहां पे आए BT असाइनमेंट में, असाइनमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे अपलोड की ऑप्शन आ रही होगी, तो उसको हम जो है ना इंशाल्लाह रहमान अपडेट कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि जो है ना आप फाइल जो है ना वो बताएं कहाँ पे उसका पास, तो यहां से चूज फाइल करके हमारा डेस्कटॉप पे सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो डेस्कटॉप से हम उसका सॉल्यूशन जो है ना वो रिसीव कर लेंगे ये, और इसको ओपन करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।